मुंडार प्रधानमंत्री के मन की बात का कार्यक्रम पंचायत समिति परिसर में मुंडार विधायक मनजीत धर्मपाल चौधरी की अध्यक्षता में मुंडार विधानसभा प्रभारी जितेंद्र शर्मा बांसुर के साथ मन की बात को सुनते हुए भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता सुनीता महेश गुप्ता, प्रधान पंचायत समिति मुंडार, पूर्व प्रधान तारा देवी, सरपंच संघ अध्यक्ष दिलीप यादव, सोनू भारद्वाज सरपंच, प्रतिनिधि मुंडावर एडवोकेट सुरेश यादव, पिपली ग्राम पंचायत सरपंच मुनेश उमेश यादव, पूर्व मंडल अध्यक्ष मुंडावर एवं समस्त सैकड़ों मातृशक्ति ने भी सुनी मन की बात कार्यकर्ता मौजूद। आज मन का कार्यक्रम आपने सुना, इसके बारे में क्या कहें? आज मन की बात का 100वें एपिसोड का कार्यक्रम था। हर महीने की बात ही इस महीने भी आखिरी इतवार को माननीय देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा मन की बात का कार्यक्रम रखा गया। ये मन की बात का कार्यक्रम 3 अक्टूबर 2014 से चालू हुआ और आज का 100वां एपिसोड था, जिसके अंदर प्रधानमंत्री जी ने अलग जो अब तक जो विषय उठाए गए उनमें से अलग अलग विषय पर चर्चा करी, जिसमें एक था बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का था, एक पर्यावरण को बचाने का था और अन्य विषयों पर भी चर्चा करी। और उन्होंने देश के लोगों से अपनी इच्छा जाहिर करी कि आने वाले समय में जिस तरीके से देश में हर जगह गंदगी का माहौल हो रहा है, जिस तरीके से उन्होंने बात करी क्लीन द हिमालय, जो हिमालय की तलहटी के अंदर कचरा इकट्ठा हो रहा है, कुछ एक समूह है जिन्होंने वो चालू किया था उस कचरे को संग्रहण करके और एक जगह डालने का काम, इन्हीं शुरुआत के अंदर तो कुछ ही लोग थे पर आज वो इतना आगे बढ़ चुका है कि रोज 5 टन कचरा वो लोग इकट्ठा कर रहे हैं एक जगह से, एक तलहटी से 5 टन कचरा। आप सब जान सकते हैं कि एक दिन के अंदर 5 टन कचरा कितना अधिक होता है, तो सभी से आग्रह है कि आने वाले समय में स्वच्छता पे ध्यान दें। अगर स्वच्छ भारत होगा तो बहुत आगे बढ़ेगा, स्वच्छ गलियां होंगी तो प्रदूषण कम होगा और बीमारियां कम फैलेंगी। तो और अन्य विषयों पे भी देश के प्रधानमंत्री जी ने चर्चा करी, मुझे विश्वास है मुंडावर के लोग भी उनकी जो चर्चा है उन पर पूरा अमल करेंगे और आने वाले समय में उनकी बातों पर ध्यान रखकर काम करेंगे। आज मुख्यालय पे मन की बात है, दो जगह का इसमें क्या मान लिया? देखो आज मुख्यालय पे दो की बात नहीं है, मुख्य आज तो पूरे देश के अंदर अलग अलग जगहों पे कार्यक्रम है। आपने आपने भी देखा होगा अभी टीवी पे जब हम देख रहे थे, कहीं अमित शाह जी बैठे हुए थे, कहीं राजनाथ जी बैठे हुए थे, कहीं पीयूष गोयल जी बैठे हुए थे, अन्य नेता भी बैठे हुए, तो पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के जो शक्ति केंद्र बने हुए हैं, शक्ति केंद्रों पर भी, पंचायत लेवल पर भी, हर जगह कार्यक्रम है। बिल्कुल हो सकते कोई विषय नहीं है, कार्यकर्ता पार्टी का है वो बिल्कुल देखेगा, कोई ऐसा कोई विषय नहीं है।